कुत्ती जी थार भाई नीचे टच होगी। तो अभी भाई किलर रोड में वापस जा रहे थे हम किश्तवाड़ वाली साइड, तो हमारे आगे आगे थार चल रही है भाई की। तो भाई रोड देख सकते हो कितना ज़्यादा डरावना रोड है भाई, इधर से पूरा देख के चलाना पड़ता है। इधर भाई ऑफ रोडिंग के लिए भाई थार भी फेल है एक हिसाब से देखा जाए भाई। दो तीन बार तो भाई हमारा बुलेट भी रास्ते में फंस गया था। कुत्ती जी थार भाई नीचे टच होगी। तो जैसे कि आप देख सकते थे भाई इतना थार मतलब कि कितनी ज़्यादा वो होती है ग्राउंड से ऊपर होती है, लेकिन वो भी भाई नीचे टच होगी। इतनी ज़्यादा भाई डीप खड्डे हैं रास्ते में और भाई पूरा देखे चलाना पड़ता है भाई। और जितना जितना आगे जा रहे हैं उतना रोड और ख़तरनाक होते जा रहा है। एक तरफ तो भाई पूरा रोड ही उन्होंने काट के नाले की तरफ अलग ही रोड बनाया था, उधर से तो भाई देखने में भी डर लग रहा था। पहले मैंने 10 बार सोचा कि जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो भाई जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे कीचड़ और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और इधर तो भाई पूरा देख के चलाना पड़ती है गाड़ी भाई, पूरा एक एक एंगल चेक करना पड़ता है कि कैसे चल रही है। और जैसे कि ये कोई थार भी भाई 3-4 बार नीचे टच होगी। और अभी भी जब ये जा रही थी गाड़ी आगे तो अभी भी थोड़ी सी साउंड सुनाई दी, तो जैसी तो थोड़ा डीप खड्डे में टायर पड़े इसके तो नीचे से फिर टच होगी ये थार। और हमारे बुलेट की तो छोड़ ही दो भाई, वो भी कुछ 10 से 15 बार नीचे बजा है। और 1-2 बार तो मैंने केबल को बिल्कुल ही हटा दिया था भाई, तो पैदल चल। तो ये भाई हमारे आए थे चंडीगढ़ से ऑफ रोड करने किलार रोड में, तो अभी ये किश्तवाड़ वाली साइड जा रहे हैं कहीं। तो रास्ते में इनसे मुलाकात हुई भाई, नाइस बंदे हैं एकदम, अंदर बैठे हैं गाड़ी के फुल मज़े ले रहे हैं। और रोड की हालत देख सकते हो आप। तो ये रोड का लास्ट पॉइंट था जो सबसे डेंजरस था, इसी को इन्होंने काट के बनाया था। एक टाइम ये किसी टाइम सीधा था इधर से, तो फिर इन्होंने अपनी एंगल दिए हैं इधर के, तो उधर से भाई थार भी एक टाइम रुक गई भाई, पूरा सोचने लगा कि कैसे जाऊँ। फिर थोड़ी सी बैक की इन्होंने, तो फिर आगे थोड़ी आराम से निकाल दिया इन्होंने, लेकिन था थोड़ा मुश्किल ये भी। हमने तो बुलेट ऊपर लगाया था, हम थोड़ा देख रहे थे कि कैसे निकालते हैं भाई, तो बस ये इतने में निकालते हैं, फिर उसके बाद आगे चले आते हैं, फिर से बैक करते हैं। क्योंकि यार मोड़ ही इतना ख़तरनाक था ना, ये ऐसे कैमरे में थोड़ा आपको सिंपल दिख रहा होगा लेकिन बड़ा ज़्यादा डेंजरस मोड़ था ये। इधर से भाई जब जिस टाइम हम वापस जा रहे थे ना इधर से, तो उस टाइम यह पूरा गिल्ला था ये, क्योंकि बारिश पड़ी हुई थी। अभी थोड़ा सूखी हुई थी मिट्टी, तो थोड़ा ईजी था। उस टाइम तो भाई बड़ी मुश्किल हो रही थी इधर देखने में भी। तो ये था भाई किलार, कुछ ऐसा रोड था जैसा कि हमने आपको जितना हो सका उतना दिखाया। तो बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको ये रोड, और आपको भी कभी अगर नेक्स्ट टाइम आना होगा तो हम बता देंगे आपको, तो चलना हमारे साथ भाई राइड पे इस रोड पे, नेक्स्ट टाइम और मज़ा करेंगे थोड़ा। और ये छोटे छोटे पुल बनाए हैं BRO की तरफ से, ये आपको पूरे इस रोड में यही पुल दिखने को मिलेंगे, जितने भी पुल हैं सारों में यही देखने को मिलेंगे आपको ये पुल। और रास्ते में भाई जो छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग आती है ना भाई, रोड की तो शान ही बढ़ा देती है भाई, जो मज़ा आता है ना भाई इनको चेक करने में। ये सारे जा रहे हैं मिंदल यात्रा करने, और इधर हमारे आगे आगे वही थार चल रही है अभी। और रास्ते में पत्थर देख सकते हो कितने गिरे हुए हैं ऊपर से गिर गिर के। और रोड भी भाई बड़ा ही ज़्यादा डेंजरस है। अभी फिलहाल पक्का हो रहा है, लेकिन 2-3 किलोमीटर ही हुआ है पक्का, बाकी 65 किलोमीटर में 60 किलोमीटर तो पूरा आपको कच्चा ही मिलेगा ये रोड। तो अभी फिर हम जा रहे हैं किश्तवाड़ वाली साइड, उसके बाद भद्रवाह निकलेंगे। तो ये क्रॉसिंग देख सकते हो भाई आप ट्रक की, कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वो एक टाइम पे मेरे को लाइट मार के पूछ रहा था कि भाई आगे देखना ऊपर ट्रक तो नहीं टच हो रहा है। ये वाला जो है, ये वाला रोड आता है किश्तवाड़ गुलाबगढ़ से किश्तवाड़ के बीच में भाई, ये तो पूरा ही ख़तरनाक रोड है। इसके लिए हमने साइड में बाइक लगाई, हमने सोचा पहले शूट कर लेते हैं इस ट्रक का, क्योंकि देखने में इतना मज़ा आ रहा था ना भाई इस रोड को। ऊपर से भाई पूरा हवा में आए ऊपर से पहाड़, और नीचे से रोड निकला हुआ है। बट ये वाला किश्तवाड़ वाला रोड आपको मैक्सिमम पक्का ही मिलेगा देखने के लिए। और इधर भाई एक भी ट्रक अगर आगे फंस गया, फिर पीछे जो जाम लगता है, फिर भाई इधर से कोई 10-15 मिनट तक जाम नहीं खुल सकता है जब तक सही रोड ना आए।